इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से भाई का लेवल अप हो चुका था नॉनसेंस सोल पे, वहाँ का बेटा ली का लेवल भी हो चुका था गोल्डन कोर पे। इसको जलन होती है लेकिन मुंह पे बधाई देता है, सीक्रेट टेक्निक निकाल के देता है और कहता है यार अब तुम्हारा तो लेवल अप हो चुका है, गोल्डन कोर पे जा चुके हो, ये टेक्निक प्रैक्टिस करो यार, इससे तुम महाबली और अमर तो नहीं बन जाओगे लेकिन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनोगे और बेल यार अब तुम पक्का यहाँ पे बाहर जाना चाहोगे। और इस बार मैं वाकई में मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में तुम दोनों भी बाहर जा सकते हो और साथ में बहन या तू भी बाहर यहाँ पे जा सकती है, लेकिन जाने से पहले ये टेक्निक अच्छे से सीख लेना ताकि भाई तुम्हारा जो पावर है ना और यहाँ पे बढ़ जाए और तुम्हारे पर कम यहाँ पे मुसीबत वगैरह आए। उसके बाद सर चेंज होता है एक या दो महीने बाद जहाँ पे लिटल ये तीनों का गुड बाय बोलने का टाइम हो चुका था, ये सेट से बाहर जा रहे। अब बाहर जा रहे सोचो भाई 40-50 या 10-20 साल के बाद यहाँ पर आएंगे, आसानी से तो इतना जल्दी वापस आने वाले नहीं है। तो जैसे निकल जाता है ये भी आराम से था ऐसा बैठा हुआ और कहता है अभी के लिए सेट में ना जो बड़े लोग ना, बड़े लोग में भाई मैं भाई और साथी मोटे तू आता है, बाकी सब यहाँ पे बच्चे लोग ही है। मोटा भी सामने से कहता है डोंट वरी, ये जो भी हमारे छोटे छोटे डिसाइपल ना बहुत जल्दी वो लोग भी बड़े हो जाएंगे, 80+ वो भी हो जाएंगे तो उनके साथ भी एक्साइटमेंट आएगा, मजा आएगा। सामने से कहता हाँ लेकिन सेम ही चीज होगा, जैसे वो लोग बड़े होंगे वो भी बाहर जाने की डिमांड करेंगे, हमको भी उनको भी भेजना पड़ेगा, फिर और जो छोटे आएंगे वो जैसे बड़े होंगे सेम भी डिमांड करेंगे, यही प्रोसेस यहाँ पे चालू था। अब वो सब तो जा चुके लेकिन जो ये नया यहाँ पर आया था भाई जाओ जो कि क्रिएटर यहाँ पे था उसके बारे में सोचते कि हाँ भाई ये इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे जो आ चुकी है, वो अपना कल्टिवेशन यहाँ पे कर रहा था और सपना एक देख रहा था, सपने भाई मम्मी को बचाना, ये करना, दुश्मनों को मार के देना है, ऐसा वैसी सारी चीजें उसकी मेमोरी में यहाँ पे आ रही थी। तो अभी उसके पास यहाँ पे जाता है अपने शवफैन और कहता है चलो भैया कल्टीवेशन बंद करो, उठो खाना खाने का टाइम आ चुका है, एकदम पूरे गुस्से में चिल्लाता भी नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा वो पूरे गांव को, बर्बाद कर दूंगा। सामने से शवफैन भी कहता हाँ भी कर देना, बर्बाद कर देना, पहले खाना खा ले यार, सपने से बाहर उठ। वो भी कहता ओ अच्छा सपना यहाँ पे था, कोई बात नहीं उठ चुका हूँ, लाइए क्या खाना, नूडल्स से क्या, हाँ चाइना वाले ना खाली नूडल्स ही खाते, आइए लाइए। और दोनों आराम से बैठ के खाना चालू कर देते। सामने से शवफैन कहता अच्छा भाई तू किसी गाँव को बर्बाद करने के बारे में यहाँ पे बातें कर रहा है, लेकिन कौन से गांव को तू बर्बाद करने के बारे में बातें कर रहा है, और क्या तू गांव के सारे बंदों को बर्बाद करके मार डालेगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, आई थिंक किसी को तो तू जिंदा छोड़ेगा। ये कहता हाँ मैं जिंदा छोड़ूंगा, दो लोग यहाँ पर थे भाई, एक नूडल्स बेचने वाले यहाँ पे थे, एक अंकल एक दीदी उनको यहाँ पे छोड़ दूंगा, और साथ ही में एक बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की है उसको छोड़ दूंगा, और साथ ही में एक टीचर यहाँ पर है उनको यहाँ पे छोड़ दूंगा। हालांकि टीचर भी थोड़े से कमीने मन तो उनको भी जहाँ से मान कर रहा है, लेकिन गाँव में एक वही बंद है जिन्होंने मेरा यार खेल मतलब सर ध्यान यहाँ पे रखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया नारुतो का रेफरेंस यहाँ पे राइटर देना चाहता है। पहले मैंने नारुतो यहाँ पे देखा नहीं लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है नारुतो में जो मेन कैरेक्टर है गांव में कोई भी अच्छा एटीट्यूड यहाँ पे उसको नहीं करता, बस एक दुकानदार था भाई जो रेमन बेचता था, जहाँ पे रेमन हमेशा जाकर नारुतो खाता था, एक वो अच्छा से ट्रीट करता था, एक टीचर यहाँ पे था क्या नाम था सॉरी मुझे याद भी नहीं आ रहा, मैंने बोला ना मैंने देखा नहीं है मैंने बस सुना है उसके बारे में बस यहाँ पे बातचीत करी, इसका भी जो लाइफ ना अपने नारुतो जैसा यहाँ पर है। तो सामने से सारी बातें सुनने के बाद ना इसको भी आइडिया लग जाता है कि पहले शायो यान मिला, उसके बाद एक और लौंडा मिला था, अब ये भी मिला जिसकी भी कहानी मेन कैरेक्टर जैसा यहाँ पर है, इनकी जिंदगी भी हार्ड ही है। और ऐसा हो सकता है कल को भाई मुझे ड्रैगन बॉल वाले भी कोई कैरेक्टर मिल जाए जिनके साथ भाई अपन फ्यूजन भी कर सके, लेकिन नहीं यार अभी के लिए कोई भी ऐसा कुछ आया ना मुझे भाई दोस्त यहाँ पे तमाशा देखना चाहता भाई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरा डिसाइपल इसके मामले में मैं इन्वॉल्व यहाँ पर हो सकता हूँ। सामने इसके दले बेटा आराम से यहाँ पे खाना पीना खा ले, मैं सर चल मैं तुझे चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा सिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे मनी मन सोचता पहले पाँच डिसाइपल इसको मिलाकर टोटल मेरे पाँच हो चुके, इसमें से तीन तो निकल गए और एक जो भाई यहाँ पे था उसको तो मैंने बहुत कुछ सिखा दिया तो उसके साथ भी कुछ खास बचा नहीं, इसी के साथ जो मेरा बॉर्डर मैंने उसको मिटाऊंगा। फिर कुछ महीने का टाइम शायद बीत जाता, आराम से मच्छी पकड़ा था, एक सेड का लड़का इसके पास आता, वो आता उसका काम है न्यूज़ पहुंचाने का जो भी ऐसा रिसेंट टाइम में हुआ है, कहता है यार टोटल तो हमारा न्यूज़ ये है कि सेड का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चालू है और भी डिसाइपल ऐड यहाँ पे हुए जा रहे हैं, और साथ ही में क्या बोलते हैं हमारा जो बिजनेस यहाँ पर ना उसका भी प्रॉफिट यहाँ पे लास्ट ईयर से 30% यहाँ पे ज़्यादा हो रखा है, और वेल जो आपके तीनों डिसाइपल थे ना वेल हमने भी उसके बारे में पता किया, वो लोग भी सेफ है सही सलामत है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये भी कहता चलो बढ़िया है तूने न्यूज़ दे दिया ना, अब तू वापस जा सकता, गुड बाय, इतना बोलते वहाँ से निकल जाता। वो जैसे निकलता इसके साथ ये बैठा हुआ था जाओ, वो सामने इसके कहता वेल यार मास्टर आप इस बंदे पे भरोसा कैसे कर सकते हो यार, ये तो मुझे बिल्कुल भी भरोसे वाला नहीं लगता। सामने से शवफैन कहता है क्योंकि भाई एकदम चील की निगाह है मेरी, चील की निगाह है, मैं किसी भी बंदे को देख के बता सकता हूँ कोई भी टैलेंटेड कौन है और कौन टैलेंटेड नहीं है, किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए और किसके पास कैसी पावर यहाँ पर हो सकती है। तेरे पास देखा भी टट्टी की बारिश करने वाली आया है क्या, बारिश करता भी माशाल्लाह उम्मा। सामने से जाओ भी खुश रहता है, कहता है यार मास्टर कोई मेरा पावर को समझता नहीं है, आप ये समझते हो अभी तो बहुत ही कम लेवल का, ज़्यादा लेवल पर जाएगा ना तो और भी अच्छी अच्छी बारिश कर सकता हूँ, और उसको डेवलपमेंट कर करके ना मैं 10 नेडो में भी यहाँ पे बना दूंगा। वो कहता नहीं भाई ऐसा डेवलपमेंट मत करना वरना या तेरे टट्टी के नीचे सब आ जाएंगे। वो कहता है कह रहे ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाएंगे, मैं बवाल लेवल के यहाँ पे करूँगा, आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा नमूना दिखाऊँ क्या। वो छतरी निकाल लेते कि नहीं भाई मुझे तेरे टट्टी के नीचे यहाँ पे दबाना नहीं है। वो कहता नहीं टट्टी वाला नहीं, वो तो वो नहीं दूसरा मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, छतरी वापस यहाँ पे रख लीजिए, एक गोली
यहाँ पे आई डोंट नो कहीं से निकाल लेता है और कहता है हाँ भाई ये गोली बेसिकली यहाँ पे चलाऊंगा बिना कैनन का, बिना किसी बंदूक की मदद से, अपना खाली स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे यूज करके गोली आगे फेंकता है, ढाम से यहाँ पे ब्लास्ट कर देता है और कहता है कैसा लगा, दुश्मन के सामने भेजूंगा और उसके पिछौड़े में घुसा के ब्लास्ट कर दूंगा, दुश्मन की तो गेंद ही फट जाएगी और सच में लोग बोलेंगे देखो उसकी फट के चार हो गई। सामने से शाहफेन कहता है यार थोड़ी शर्म कर भाई, तू ऐसा कैसे कर सकता, लेकिन ये कुछ खास यहाँ पे नहीं है, आई मीन वाकई में खास नहीं, तो दुश्मन के पिछौड़े में यहाँ पे घुसेड़ेगा कैसे, नहीं ना। और सामने वाला बंदा काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके ऊपर शायद असर भी यहाँ पे ना हुआ तो नल्ले बंदों पे असर होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग बंदों पे नहीं ना होगा। या देख बेटे ये जो क्या बोलते हैं गन पाउडर हो गया, फिर कैनन हो गया, फिर बंदूक हो गया, उसका अपन बाप या अपन तुझे उसकी पावर यहाँ पे अभी दिखाता है। एक बंदूक यहाँ पे निकालता है, बंदूक नहीं कैनन निकालता है, उससे एक पक्षी यहाँ पे उड़ रहा था बहुत बड़ा, उसके ऊपर यहाँ पे चला देता है जो कि डायरेक्ट जाके लगता है पक्षी को, पक्षी ढाम से पानी में गिरता है, जो देखते जाओ हिल जाता है और कहता हूँ ओ माई गॉड जितने स्पिरिचुअल पावर मैंने बंदूक की गोली चलाने में यूज़ की थी ना उतना स्पिरिचुअल पावर इन्होंने कैनन लगाने में यूज़ किया, मेरी गोली ज़्यादा काम नहीं आई लेकिन इनका ये तो बहुत ही ज़्यादा काम आ गया रे। सामने से शाहफेन कहते हैं कि हाँ भाई ये मैंने भी इसके अंदर ना कोई बहुत बड़ा गोला नहीं बल्कि वही सेम लेवल की यहाँ पे गोली डाली थी, लेकिन देख ऐसा चलाने में कितना ज़्यादा यहाँ पे फायदा हुआ और मालूम है जब मैं क्यू आर फाइन स्टेज के पाँचों लेवल पर था मैं भी चीज़ें ऐसे यहाँ पे करता था, तब से लेकर अब तक मैं ये सारी चीज़ें करके जिंदा हूँ। सामने ऐसे कहता यार मास्टर तुस्ती तो ग्रेट हो, ये कहता भाई 80 ग्रेट है, तुस्ती को भी ग्रेट कर देंगे तो 20 साल का हो गया है, आमतौर पर 18 से ज़्यादा होता ही बंदे लोग के अंदर खून ऐसा खोल उठता है कि अभी मुझे बाहर जाना है, बाहर घूम के एडवेंचर करना, लेकिन तेरे अंदर खून ऐसा नहीं खोला तो आई लाइक इट, ये बात मुझे यहाँ पे पसंद आई। लेकिन भाई एक साल के समझ जो छुट्टी देता हूँ, ये मोटे का जो पेविलोन अच्छे से यहाँ पे बन जाए, बिजनेस सूटेड तो हो चुका लेकिन और भी अच्छे से डेवलपमेंट बस यहाँ पे हो जाए, और जब तक ले नहीं होता जब तक तू यहाँ पे बाहर जा मेन जो सिटी यहाँ पे सिटी में जाए एडवेंचर कर, और कुछ चीज़ें यहाँ पे शॉपिंग के लिए मैं तुझे भेजना चाहता हूँ और मुझे ला के यहाँ पे दे देना, एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और ये लास्ट चैप्टर है। आई मीन मानो का नहीं, अभी तक जितने भी रिलीज हुए ना ये उसमें यहाँ पे लास्ट है, और अगला आने में आई डोंट नो कितना टाइम यहाँ पे लग जाएगा, आई थिंक कितना भी टाइम लग सकता मेरे ख्याल से हफ्ते में दो आते हैं, अब कौन से दिन आते हैं मुझे मालूम नहीं है, जब जब लेकिन आएंगे जब जब मुझे मालूम चलेगा मैं फटाक से यहाँ पे कर दूंगा, और जब तक ले कोई दूसरा यहाँ पे ढूंढूंगा ऑफकोर्स को दूसरा बढ़ुआ सा नहीं भाई बढ़िया सा मांगा यहाँ पे ढूंढूंगा, जो आपको पसंद आएगा तो कंटिन्यू, नहीं पसंद है दूसरा कोई नया बना कर कंटिन्यू कर देंगे, आई मीन नया ढूंढ के कंटिन्यू कर देंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।